देखो, हमने ना जो लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक कवर किया था उस समय बस अभी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रकार, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद ना जो हमारे पास आज का जो टॉपिक है, हम उसको बोलते हैं कि भारत कह रहे कि भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई। अगर तुम्हारे सामने ना ऐसा क्वेश्चन आता है, जो तुम्हें टॉपिक बता रहा हूँ ना, ये जो तुम्हारे पास टॉपिक है, ये तुम्हारा टॉपिक क्वेश्चन भी बन सकता है भाई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास कह रहे कि भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को स्वीकार क्यों किया गया, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक, तो इसका मैं तुम्हें आंसर बता रहा हूँ। नॉर्मली पहले समझो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के अंदर जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वही क्यों, मतलब कि वही क्यों नेता बनेगा। ठीक है, ये वाली बातें बताई जा रही है, सुनो। सबसे पहला कह रहा है कि यह प्रणाली सरल है, ये जो तरीका है ना, ये क्या बहुत ही आसान तरीका है। उसके बाद कह रहा है कि उन मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति एवं चुनाव का ज्ञान नहीं है। ठीक भाई, उन लोगों के लिए भी बहुत ही आसान तरीका है जिनको ज्ञान नहीं किसी भी चीज का। जैसे मान के चलो कि अगर वोट देने जाना होगा, ठीक है, क्या बोला मैंने कि मान के चलो अगर मैं क्या वोट देने जाना है, और अगर किसी इंसान को कुछ भी नहीं पता, क्या बोला मैंने कि अगर किसी इंसान को कुछ भी नहीं पता तो वो किसके आधार पे वोट देगा। ठीक है, वो नॉर्मली सोचेगा कि भाई सबसे ज्यादा वोट किसको दिया जा रहा है, तो लोग क्या उसको देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या, जो लोग ना थोड़े से अनपढ़ है, जिनको राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता, उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल तरीका है। ठीक है, बहुत आसान तरीका उन लोगों के लिए। ठीक, उसके बाद अगला कह रहा है कि चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है, और इस तरीके से ना, मतलब कि जो मेरे पास है सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली है, इसके अंदर होता ऐसा है कि जो भी चुनाव के समय जो मतदाता होते हैं, जो मतलब कि जो मत देते हैं, जो वोट देते हैं, के पास स्पष्ट विकल्प होता है। उनके पास क्या है, ठीक है ना, सिंपल सा ऑप्शन है कि भाई इसको चुन लो, इसको चुन लो, या फिर इसको चुन लो। ठीक है, इस तरीके से विकल्प होता है। फिर भाई जो मेरे पास अगला है वो कह रहा है कि देश में मतदाताओं को दलों की जगह उम्मीदवारों के चुनाव का अवसर मिलता है। देखो भाई, उन्हें दल से मतलब नहीं है, उन्हें पार्टी से मतलब नहीं, कोई कांग्रेस पार्टी है क्या है। देखो या जैसे ना, यहाँ पे अगर तुम पूछोगे ना कि भाई किसको वोट देने जा रहा है, तो वो नॉर्मली बोलेगा कि मैं बीजेपी को। ठीक है, और देखो ऐसे बोलते हैं बीजेपी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, और या फिर मान लो कांग्रेस पार्टी। लेकिन लोग पता क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं हमारा यहाँ का भिदुड़ी अच्छा है, हम भिदुड़ी को वोट देंगे। ठीक है, हमारे यहाँ का जो एक मान लो कि राम सिंह नेता है वो अच्छा है, हम उसको देंगे, XYZ कोई सा भी नाम है। ठीक है, तो जो सबसे अच्छा नेता होगा भाई उसी को वोट दिया जाता है। इसीलिए ना ये हमारे पास क्या आसान तरीका है, कि जिनको वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। लोग क्या ज्यादातर उनको वोट देते हैं जिनको वो पर्सनली जानते हैं। मान लो कोई अजनबी सा अंग्रेज उठ के आ जाए, अब उसको वोट नहीं देंगे, एक इंसान उसी को वोट देगा जो उसको जानता है। तो बताया भाई, जो वोट से पहले क्या, जो भी नेता वगैरह होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं कि घर पे आएंगे और थोड़ी बहुत दोस्ती बढ़ाते हैं लोगों से, बोलते हैं बताओ क्या हाल चाल है, वो मतलब कि ठीक है जो भी है ना। जो वोट से पहले पहले बहुत सारे आते हैं, लेकिन उसके बाद ना वो भाई पूरे साल नजर नहीं आते। तुमने देखो स्टार्टिंग में ना, तुमने जो भी तुम्हारे यहाँ नेता है उसे तुमने खूब देखा होगा, और फिर पूरी जिंदगी दिखता ही नहीं है वो, ये हाल है। ठीक है, अब सुनो अगला मेरे पास है निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण। भाई तुमसे पहले बता रहा हूँ आरक्षण का मतलब क्या होता है, रिजर्वेशन सुना है, ठीक है, रिजर्वेशन होता है। तो कह रहे कि भारतीय संविधान द्वारा सभी वर्गों को, भारत के संविधान के द्वारा सभी वर्गों को, मतलब वर्ग का मतलब है कैटेगरी, कोई सी भी कास्ट हो। ठीक है, कह रहे कि सभी वर्गों को संसद में समान प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र की व्यवस्था को अपनाया गया। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भारतीय संविधान के द्वारा सभी वर्गों को संसद में समान प्रतिनिधित्व। देखो किसी भी जाति का इंसान खड़ा हो जाए, किसी भी जाति का इंसान खड़ा होता है भाई, उसको लोग मना नहीं करेंगे कि हाँ भाई हम तो वोट नहीं दे रहे। जो सरकार है ना, वो जो संविधान है, संविधान मना नहीं कर सकता कि हाँ भाई तू खड़ा नहीं होगा। जिसका मन चाहे वो खड़ा हो जाए, ठीक है, जिसको लगता है भाई वो जीत सकता है तो खड़ा हो जाए। जैसे मान के चलो कि मान लो कि कल को मेरा मन कर गया, ठीक है, मैं क्या कि नेता बनना चाहता हूँ, और मैं ना आराम से जाऊँगा, जो भी जो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करूंगा, और फॉलो करने के बाद क्या है, जहाँ पे भी वोटिंग वगैरह चलती है वहाँ पे लोगों से जाके बात करूंगा कि भाई इस नाम पे वोट देना, इस नाम पे वोट देना, तो लोग आएंगे देखेंगे अच्छे से नाम का वोट है, दे दिया। ठीक है, तो जो लोग मेरे को ढंग से जानते होंगे भाई वही तो वोट देंगे ना, तो थोड़े कोई मुंह उठा के दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। जो लोग मेरे को जानते होंगे सिर्फ वो वोट देंगे, अदरवाइज कोई वोट देगा नहीं। ठीक है, कह इस व्यवस्था के अंतर्गत, ये जो व्यवस्था है ना, इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन
करेगी, प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए सीट आरक्षित। देखो भाई यहाँ पे कह रहे कि वोट तो सब डालेंगे, ठीक है वोट सब डालते हैं, लेकिन बात सिर्फ उनके वोट की वैल्यू की होती है जिनके लिए सीट बुक करी गई है। ऐसा नहीं भाई, देखो जो भी नेता बनता है ना, जो भी इंसान नेता बनता है तो उसको नेता बनने से पहले उसको अपनी एक सीट लेनी है, उसको टिकट बोलते हैं, ठीक है उसको अपनी टिकट लेनी होती है, उस टिकट के आधार पर उसकी सीट बुक होती है कि हाँ भाई तेरे लिए यह सीट बुक है। अगर तू जीत जाता है, देखो एक सीट होती है उसके लिए तीन चार जो नेता होते हैं ना, जो तीन चार लोग हैं वो लड़ाई करते हैं, और लड़ाई कैसे भाई वोट की सहायता से, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गया भाई वो जीत जाएगा, अदरवाइज क्या है वो हार जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो जीतेगा भाई उसको नेता बनाया जाएगा, और जो नहीं जीता वो गया फिर, ठीक है भाई। अगला मेरे पास है सार्वभौमिक वयस्क, हाँ भाई वयस्क मताधिकार। पहले मैं पता चाहिए सार्वभौमिक का मतलब क्या भाई, हाँ भाई किसी को पता है कि सार्वभौमिक क्या होता है? सार्वभौमिक का बोलेंगे भाई जो सब जगह एक जैसा हो, सब जगह एक समान। तो हम बात करते हैं कह रहे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो कह रहे कि किसी जाति धर्म लिंग एवं क्षेत्र के भेदभाव के बिना 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के नागरिक को मत देने का अधिकार है। बात सुना की, देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। नॉर्मल से बोले मत अधिकार तुम्हें कब मिलता है, जब तुम 18 साल से प्लस के हो जाते हो ना, फिर तुम्हें क्या है कि वोट मिल जाता है आराम से, ठीक है। अब सुनो हम अगली बात करते हैं, चुनाव सुधार। कह रहे कि चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती, चुनाव की कोई सी प्रणाली है वो कभी आदर्श नहीं होगी। आदर्श का मतलब क्या होता है, देखो आदर्श का मतलब है कि पिछली बात, अभी की बात, आगे की बात, देखो मतलब कि भूत वर्तमान भविष्य, तो ये सब नहीं होती, ठीक है। उसमें कह रहे कि उसमें अनेक कमियां, देखो और दूसरी बात बोलूं, पहले मैंने बोला कि सब कुछ वो देख के नहीं चल सकता, और नॉर्मल सी बात बोलूं भाई, देखो मैंने आपको कह रहा कि चुनाव की कोई प्रणाली आदर्श नहीं हो सकती, आदर्श नहीं हो सकती इसका मतलब ये हो जाता है कि चुनाव की कोई सी जो प्रणाली है वो कभी भी ऐसी नहीं होगी कि जिसमें गलतियां ना हो, ठीक है। कोई सी प्रणाली होती सबके अंदर गलतियां होती जरूर है, तो वही हमसे कह रहा कि चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती, उसमें अनेक कमियां और सीमाएं होती हैं। देखो भाई कमियां का मतलब पता क्या होता है, सीमाएं का मतलब है कोई रोक टोक, ठीक है। सीमाएं का मतलब क्या भाई, रोक टोक, मतलब कि ना बहुत सारी सीमाएं हैं उसमें, लिमिटेशन है। उसके बाद कि लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनाव और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीके को बराबर खोजते रहना पड़ता है। देखो भाई हमसे क्या बोला जा रहा है कि संविधान के अंदर ना जो लोकतांत्रिक, जो देखो भाई कह रहे कि लोकतांत्रिक समाज को, जो लोकतांत्रिक समाज है उसको अपने चुनावों को और अधिक स्वतंत्र, चुनाव को स्वतंत्र बनाने का मतलब हो जाता है क्या? देखो भाई मैं क्या बोला कि चुनाव को स्वतंत्र बनाने का मतलब है कि सब उसमें आराम से वोट दे पाए, कोई भी ये नहीं कि तू वोट नहीं देगा, तू वोट नहीं देगा। पता है बहुत जगह लड़ाई हो जाती है, बहुत जगह लड़ाई होती है कि भाई यहाँ पे कोई भी मुस्लिम वोट नहीं देगा, ठीक है, ऐसे बहुत जगह लड़ाई हो चुकी है, और कभी कहीं ऐसा बोलते हैं कि भाई यहाँ पे कोई भी हिंदू वोट नहीं देगा, तो बहुत बार ऐसा हो चुका है। तो इसलिए क्या उसको ना और ज़्यादा अधिक स्वतंत्र बनाने की कोशिश करते हैं, कि और निष्पक्ष बनाने, ठीक है। अगर भाई निष्पक्ष बनाने की कोशिश करते हैं, निष्पक्ष बनाने का मतलब है कि ये नहीं कि किसी एक इंसान के साइड लिया जाए, सबको एक समान देखते हैं। उसके बाद तो भाई कह रहे कि निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना पड़ता है, तो वही वाली बातें चल रही हैं कि जो संविधान है ना, मतलब कि जो हमारा चुनाव चलता है, चुनाव को कराने के लिए ना हमेशा क्या नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। देखो पहले पता क्या होता था, पहले पर्ची पर लिखा, पर्ची डाल के आ गए, पर्ची पर लिखा, पर्ची डाल के आ गए, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलप हुआ, ठीक, डेवलप होता था। अब क्या भाई सीधा मशीन आती है, बटन दबाया हो गया काम, बटन दबाया हो गया काम। अब पता है कुछ दिन में क्या होगा, तुम घर बैठे बैठे वोट दे पाओगे। तुमने अपना मोबाइल खोला, तुम्हें देखना भाई किसको वोट देना है, वोट दे दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि जिसे चुनाव सुधार कहते हैं, भाई मैंने क्या बोला, देखो चुनाव सुधार का मतलब क्या हो जाता है कि जो भी चुनाव है ना वो बिल्कुल आदर्श नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि उसके अंदर कमियां ना हो, कोई सा भी चुनाव वगैरह होगा उसमें कमियां होती जरूर है। तो इन्हीं कमियों को सुधारने के लिए ना जिन चीज़ों का यूज किया जाता है ना, हम उसे क्या बोलते हैं भाई, चुनाव सुधार बोलते हैं, ठीक। नॉर्मल सी बातें बोले कि जो भी चुनाव चलते हैं उन चुनाव में जो कमियां हैं, उनमें जो गलतियां हैं, उनको ठीक कर देने को बोलते हैं चुनाव सुधार। उसके बाद कह रहे कि भाई जैसे भारत में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग को चुनाव लड़ने के ऊपर प्रतिबंध, देखो क्या बोला गया कि भारत में क्या होता है आपराधिक प्रवृत्ति, आपराधिक प्रवृत्ति के मतलब जो क्रिमिनल लोग होते हैं,
जो भी किरणन लोग हैं ना भाई, उन सबको क्या है कि चुनाव लड़ने को मना कर रखा है कि भाई तुम चुनाव नहीं लड़ोगे। तो ये कह रहे कि भारत में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, देखो या तो चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा रखा है या फिर चुनाव लड़ने के लिए कुछ अनिवार्य शिक्षा योग्य निर्धारित करना। पता क्या होता है, एक ना एजुकेशन, देखो सबसे पहला एक तो तुम्हें बात याद है, मैंने तुम्हें 25 साल का होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, ठीक है, वो क्या है कि पागल नहीं होना चाहिए, उसका दिवालिया ना निकला हो, तो ऐसा इंसान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि चुनाव लड़ने के लिए कुछ अनिवार्य शिक्षा योग्यता निर्धारित करना, और ना चुनाव को लड़ने के लिए तुम्हारे पास ना एक शिक्षा जरूर होनी चाहिए, मतलब कि शिक्षा होनी चाहिए। अब वो तुम्हारी 10th पास हो सकती है, तुम्हारी 12th पास हो सकती है, उससे आगे अगर और बढ़ाए ना तो मान लो जो तुम्हारी ग्रेजुएशन है वो भी हो सकती है, तो मतलब कि 12th के बाद की पढ़ाई, तो इस तरीके से आसरा होता है, ठीक है। हम अगली बात करते हैं मेरे पास के भाई चुनाव प्रणाली की विशेषता, जो चुनाव प्रणाली मतलब चुनाव का जो तरीका है उसकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ना भाई जो विशेषता है, तुम्हें विशेषता का मतलब बता रहा, विशेषता क्या होती है, सुनो क्या बोला मैंने कि जो विशेषता है उसका मतलब मेरे पास होता क्या है। सबसे पहली चीज भाई, मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि तुमने एक मोबाइल परचेज किया, तुमने कोई सा एक मोबाइल लिया भाई, तुम मोबाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ चेक करते हो, ठीक। सबसे पहले चेक करते हो उसका कैमरा, ठीक है, स्क्रीन, बैटरी, ये सारी चीज़ चेक करते हो, तो हम इसको बोलते हैं मोबाइल की विशेषता। तो इसी तरीके से जो चुनाव प्रणाली जो है, ठीक है, जो चुनाव प्रणाली है उसका तरीका क्या है, हम ये वाली बातें करते हैं, ठीक है। सुनो, सबसे पहला मेरे पास कह रहा है कि यह सरल है, जो चुनाव क्या है, जो चुनाव प्रणाली है, चुनाव प्रणाली मतलब चुनाव कराने का तरीका, ये जो चुनाव कराने का तरीका हमारे देश में ना, इसको बोलते हैं ये क्या, बहुत ही ज़्यादा सरल है, बहुत ज़्यादा आसान है भाई। इसकी ना तुम्हें, इसके तुम्हें अंदर बना बना के लिखना होता है, ठीक है, ये तुम्हें सिर्फ पॉइंट पॉइंट ना है, सिर्फ हेडिंग हेडिंग जा रही है, इसके आगे दो डॉट डाल के फिर जाके तुम्हें लिखना होता है। पहला पॉइंट बताया मैंने कि भाई इस मेरे पास बहुत ही ज़्यादा सरल है। अगला कह रहा है कि इनमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। और भाई इस तरीके में ना कि अगर तुमने जो नेता है, नेता ने कोई सी भी गलती कर दी तो जनता जो है ना उनसे जवाब मांग सकती है। तुम कभी भी ना तुम्हारा जो यहाँ का जो नेता होता है ना उनके ऑफिस में चले जाओ, बोल दो भाई हमारे जगह रोड नहीं बना और पानी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, तुम पूछ सकते हो उनसे आसानी से, ठीक। और वो कुछ करें तो तुम उनकी वीडियो वीडियो बना लो, और मांग की तो अलग ही सीन होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा कह रहे कि मतदाता जो वोट देता है, ठीक है, पास में आ रही है, क्या बोलते हैं मतदाता, मतदाता क्या होता है भाई, जो वोट देता है। अरे मतदाता एक प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष संपर्क रहता है, जो मतदाता है और जो प्रतिनिधि है, जो नेता है, उनका ना प्रत्यक्ष संबंध है। देखो तुम ना कभी भी ना, जैसे ना जो तुम्हारे घर के ना आसपास ही होता है नॉर्मल, ठीक है, मतलब कि 4 से 5 किलोमीटर के अंदर ही जाता है, तो तुम वहां जाके ना उससे डायरेक्टली मिल सकते हो, तुमने जिनको भी वोट दिया ना तुमको आसानी से जाके मिल सकते हो। तो वही कह रहे कि भाई प्रत्यक्ष संबंध रहता है। अगला मेरे पास से कह रहे कि यह प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। देखो ये जो प्रणाली है ना क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, इसका मतलब ये होता है कि क्षेत्र की, मतलब कि क्षेत्र के बारे में अच्छा सोचते हुए फिर जाके ये काम किया जाता है, समझे कुछ। तुमसे मैंने कहा था कि भाई जो एक नेता होता है वो उसी क्षेत्र का होना चाहिए और लोग उसी को वोट देते हैं जिसको लोग जानते हैं। अब जिसको जानते नहीं भाई उसको कैसे वोट दे देंगे, समझे। पता नेता लोग खूब क्यों घूमते गली में, लोग उनको पहचान जाए, अच्छा ये तो वही नेता है, ये तो वही नेता है, ठीक है, जो गली में खूब घूम रहा था, ठीक। अब ये नहीं कि भाई देखो सिर्फ घूमना नहीं होता भाई, अगर कुछ अच्छा काम वगैरह करवाए तो बात बनती है, ये नहीं कि हाँ ऐसे बस घूमे जाओ, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद भाई अगला मेरे पास है, इसमें जो मेरे पास खर्चा है ना काफ़ी कम आता है, क्या बोला मैंने, इस मतलब कि जो तरीका है ना वोटिंग का, इसमें खर्चा काफ़ी कम आता है। उसके बाद कह रहे कि इस प्रणाली से राष्ट्रीय एकता को बल मिलती है, मतलब बल मिलता है, इसका मतलब ये है कि भाई पूरे देश के नागरिकों को एक साथ देखा जा सकता है। मतलब कि जैसे मैं तुमसे ऐसा बोल दूँ, देखो तुम्हारे पास क्या इस टाइम ना आम आदमी पार्टी है, ठीक है, फिर तुम्हारे पास क्या बीजेपी पार्टी है, ठीक, कांग्रेस है, ठीक, ये अभी ना 3 पार्टी टॉप पे चल रही है, ठीक है। अब कोई नई पार्टी है तो बात अलग है। तो अब मेरे पास ये जो भाई पार्टियां हैं, अब पता क्या होता है इन 3 पार्टियों के बीच में, जब ये देखो ये पार्टी जैसे मान लो कि आम आदमी पार्टी की चल रही है, मान लो चल मैं अभी इतना चल रही बीजेपी, अभी चल रही बीजेपी, तो अगर बीजेपी चल रही है ना तो हम नॉर्मली क्या बोलेंगे, हाँ भाई ठीक है, अच्छा बीजेपी पार्टी चल रही है, तो हम ना इसके थोड़ा सा आगे बोलेंगे कि जो लोग बीजेपी पार्टी में जुड़े हुए हैं उन सब में एकता है। अगर ना जिन जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है तुम उनकी बुराई करो एक बार, कि बीजेपी बेकार है, बीजेपी बेकार है, तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे अच्छे से वो, ठीक है।
भाई सब पता लड़ जाते हैं वो बहुत सारे बोलते हैं मोदी भक्त मोदी भक्त, तो मोदी भक्त के सामने मोदी को गाली देके देखना वो मुंह तोड़ देंगे अच्छा वाला, ऐसा हमेशा होता है। ठीक है सुनो भाई, अगला मेरे पास है चुनाव प्रणाली के दोष। अगर दोष की बात करते हैं भाई, दोष को बोलते हैं कमियां। क्या बोलते हैं भाई इसे, कमियां क्या क्या है चुनाव प्रणाली के अंदर। ठीक, सबसे पहला भाई धन का अधिक व्यय होता है, भाई पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अगला है कह रहा है वोटों को खरीदा जाना। भाई पता लोग पता है वोट खरीद लेते हैं, रात में जाएंगे घर पे, ठीक है 2000 रुपए दिए, एक दारू की बोतल नमकीन वगैरह थमा दी, वोट दे दिया। ठीक है भाई बोलते हैं कि ये ले 5000 रुपए हमें वोट दियो। जैसे मान लो कि एक वोट ना उसने 2000 रुपए में खरीदा, एक वोट क्या उसने 2000 रुपए खरीदा, अब पता है वो 2000 के बदले 2 लाख रुपए कमा लेगा उसी से, क्यों सरकार से बहुत तगड़ा पैसा मिलता है भाई, बन गया वो। उसके बाद भाई झूठा प्रचार होता है हमेशा, हमेशा झूठा प्रचार होगा, हमेशा बोलते हैं भाई हम ये बनवा देंगे हम ये बनवा देंगे और बाद में कुछ नहीं बनवाते। देखो पता लोग क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि जो ये हाँ जो मोदी है, मोदी जो है मोदी ने कहा था कि भाई हम ना क्या बोलते हैं सारा सामान कर देंगे सस्ता, ठीक अब क्या लेकिन हो गया महंगा। लेकिन सुनो भाई देखो लोग तो इससे भड़केंगे, लोग इससे बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं। ठीक है अब सुनो, अगर लोग भड़केंगे इसके भड़कने के पीछे कारण क्या होता है, जो भड़क रहे हैं उसके पीछे कारण देखो। सबसे पहली बात तो वही लोग भड़कते हैं जो अनपढ़ होते हैं, ठीक भड़कने वाले लोग सिर्फ अनपढ़ होते हैं। ठीक है और ये वो लोग होते हैं जिनको इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं होता, ठीक है जिनको अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं होता ना, ये लोग बहुत जल्दी भड़कते हैं कि अब तुम इस नेता ने बोला था। देखो वो बोलेंगे कि जो मोदी है, मोदी ने तो कहा था कि हम सारा सामान सस्ता कर देंगे, वैसे सामान सस्ता हुआ ही नहीं, लोग ऐसा बोलते हैं। उसके बाद भाई कह रहे हैं कि सांप्रदायिक हिंसा। भाई सांप्रदायिक हिंसा का मतलब है भाई लोगों के मन में ना एकदम ना हिंसा पैदा हो जाती है, वो भड़क जाते हैं। जो आम जैसे मानो कि मैं दो पार्टी के बारे में ले रहा हूँ, आम आदमी पार्टी ली, अगले मैंने बीजेपी पार्टी, ठीक तो जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो बीजेपी पार्टी से चलते हैं, ठीक है और जब बीजेपी वाले आम आदमी से, मतलब कि इनके बीच में लड़ाई चलती है भाई, जैसे जो है ना कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही है, इस तरीके से आम आदमी पार्टी और जो बीजेपी पार्टी है इनके बीच में लड़ाई चलती है। बात समझ आ गई, तो मैं क्या बोलूँ भाई सांप्रदायिकता हिंसा होती है इसके अंदर। भाई नेक्स्ट मेरे पास है कि जाति धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, ठीक ये बात तुमने बहुत देखा होगा। देखो अगर ना कोई एक मुस्लिम खड़ा होगा ना तो सारे के सारे मुस्लिम उसी को जाकर वोट देते हैं, वो बोलता है कि भाई तुम तो मुस्लिम मतलब जैसे मान लो कि चलो क्यों क्या होता है जना कोई मुस्लिम लोग हैं, ठीक अपना मुस्लिम खड़ा क्या बोलेगा तुम मुसलमान होके मुसलमान को सपोर्ट नहीं कर रहे। फिर कोई हिंदू खड़ा होगा वो हिंदू बोलेगा तुम हिंदू होके हिंदू को सपोर्ट नहीं कर रहे तो किसे सपोर्ट करोगे, तो जाति के नाम पर बहुत वोट लेते हैं। ठीक है अगला कह रहा है कि भाई अपराधियों का प्रवेश, भाई इसमें अपराधियों का प्रवेश बहुत ज़्यादा होता है। देखो जितने भी ना देखो ऐसा बोलना ही चाहिए लेकिन भी ना जितने भी जो नेता वगैरह हैं उसमें से आधे से ज़्यादा भाई अपराधी रह चुके हैं, वो क्रिमिनल रह चुके हैं। तो मैं यकीन ना होना भाई तो सर मान जैसे मान के चलो कि अभी क्या है कि मान लो केजरीवाल है, ठीक है तो केजरीवाल चलो ठीक है अच्छी पोस्ट आया, ठीक है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था। दूसरी बात बोल देना एक है पता नहीं इसका अमित शाह, ठीक है जो अमित शाह है तो उसकी तुम ना आराम से वीडियो फोटो सब दे सकते हो भाई उसका पास्ट कैसा है, ठीक हाँ वो बात अलग है पैसों के दम पे सब कुछ खत्म करवा देते हैं वो, पैसों के दम पे ना तुम्हारे जैसे तुमने मोबाइल फोटो रखी है ना तो तुम्हारे मोबाइल से फोटो डिलीट करवा देंगे, तुम फिर भी नहीं करोगे तुम्हें खत्म करवा देंगे, उनके पास तो पावर है और पैसा है। तो भाई देखो होता क्या है कि अपराधियों का प्रवेश होता है, बात समझ आ गई। फिर भैया थोड़ा ना अगली बात पे बढ़ते हैं, सुनो भाई ये हमारे पास ना जितनी मैंने तुम्हें बातें बताई ये तुम्हें सारा का सारा कवर होना चाहिए। अगर तुम्हें इन सब में से कोई दिक्कत आती है तो भाई एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक हमारा चैप्टर ये एंड है, नेक्स्ट क्लास में इसका अगला चैप्टर होगा, ठीक है।